उत्तर प्रदेश के लखनऊ जीआरएम मैरिज लॉन के मालिक के बेटे की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना ठाकुरगंज के ओवरब्रिज की है। जानकारी के मुताबिक 30 साल का महेंद्र मौर्य किसी काम से टाटा टैगोर कार में बैठकर कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में बदमाशों ने महिंद्रा की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। गोलियां गाड़ी के अंदर बैठे महेंद्र को लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। वहां मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, साथ ही घायल महेंद्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान महेंद्र ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक महेंद्र को इस गोलीबारी में 2 गोलियां लगी थी। फायरिंग बाहर से की गई थी, इसलिए गाड़ी के शीशे पूरी तरह चकनाचूर थे। इस मामले में डीसीपी वेस्ट एच चन्नप्पा ने बताया कि घटना देर रात की है। उन्हें कारोबारी के बेटे महेंद्र पर फायरिंग की सूचना मिली थी। महेंद्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से उसकी मौत हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि महेंद्र की हत्या की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है। बेटी की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।